अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है ना? अच्छा जी, आज हो गया है 20वां रोज़ा हो गया है। तो आज कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने इतका बैठ जाना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। तो देखे ना कितना अच्छा मौसम बना हुआ है, बारिश हुई है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बारिश हुई है। ये जो अभी जो है ना, छत गीला गीला है और अभी मैंने चारपाई पे बैठना था तो वो भी गीली गीली है। ये देखे ना, ये भी अभी गीली गीली है। ये देखे ना, ये इधर से सब की सब गीली है अभी अभी, काफ़ी सारी गीली है। इसलिए मैंने कहा नीचे ही बैठ जाऊँ। नीचे भी ये देखे ना, जो फर्श है ना वो गीला गीला है। ये देखें तो आज जिन जिन इतकाफ़ियों ने इतका बैठना है उनको बहुत बहुत एडवांस में मुबारक हो। और बाकी बाकी अच्छा जी, ज़्यादातर हमें ये मसला बनता है कि जो बाल है ना, ये नाते वक्त भी जब हम हाथ इनमें मारते हैं ना तो ये काफ़ी, ये देखें इतना इतना ना ये उतर गया। ये तो अब कुदरती तौर पे ही वैसे उतर गया है ये मेरा बाल, वरना ना बहुत ज़्यादा हमारे बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं कि जो है ना वो ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और इसका हल मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। मैंने भी बहुत ज़्यादा जो है ना शैम्पू यूज़ किए, ऑयल इतने इतनी क्वालिटी के यूज़ किए तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। तो अभी तो रिजल्ट्स मुझे मिलने लग गया, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो पहले नंबर पे आता है जी शैम्पू, जो कि मैं आपको दिखाने लगाऊं। आप भी ये यूज़ करेंगे तो आपको भी जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो शैम्पू है ना, प्याज वाला ओनियन, तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है। ये कुछ इस तरीके का होता है, तो ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। इसको लगाएं नहाते टाइम तो बहुत अच्छा, ये इससे मुझे रिजल्ट मिला है। बाल जिधर के जिधर थे ना वो वहाँ ही रुक गए हैं अभी। और दूसरे नंबर पे आता है तेल, और तेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तेल भी अपना ये यूज़ कर लीजिएगा। ये देखें ना, नजवा, नजवा इसका नाम है। तो मेरे ख्याल से तो नाम इसका ना नाजगी रख देते तो बेहतर था, क्योंकि देखे ना वो स्पेलिंग उल्टे सीधे वो हुए हुए हैं और तकरीबन वही नाम बनता है। तो नाजगी से बेहतर था रख देते, लेकिन इन्होंने नजवा रखा। ये भी देखे ना, प्याज वाला तेल है, प्याज वाला ऑयल है, ये भी बहुत अच्छा तेल है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो है ना, ये बोतल, ये इसका ढक्कन उतरा हुआ था ना तो वो मेरा हाथ लगा, तो ये अभी जो तेल है ना वो काफ़ी नीचे गिर के ज़ाया हो गया है। तो बाकी ये बचा है, अब मैं कब का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ना काफ़ी अच्छा इसने भी मुझे रिजल्ट दिया है। और जो बालों में खुश्की होती है ना वो भी ख़त्म ये कर देता है, और जो के बाल उतरते हैं ना वो भी ये ख़त्म कर देती हैं दोनों चीज़ों। और सिल्की भी बाल होते हैं इससे काफ़ी, और जिधर जिधर बाल नहीं ना होते ये वहाँ वहाँ भी ना बालों की नस्ल पैदा करता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, वरना मैंने भी ना बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल यूज़ किए, शैम्पू यूज़ किए, लेकिन ना मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार मुझे जो है ना, मैं बाज़ार गया तो मैंने, एक मेरा दोस्त था मैंने उसको सही वजूहत बताई, तो उसने ना मुझे यही दोनों चीज़ें दी। ये शैम्पू उसने कहा कि बहुत अच्छा, पहले ना मैंने शैम्पू ही लिया था, पहले मैं शैम्पू ले कर आया था ना, फिर उसके बाद जो है ना मैंने, मुझे इसका ना रिजल्ट अच्छा मिलने लग गया। फिर मैंने सोचा कि ऑयल अगर दूसरा यूज़ करने के बजाय ऑयल भी अगर ये ले आऊँ ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो ऐसी बात हुई, मैंने ना फिर वो गया बाज़ार, मैंने ना उससे वो ऑयल भी ले लिया, तो उससे भी मुझे अब जो है ना अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। अभी जो गाय वाले हैं वो भी काफ़ी यूज़ यही कर रहे हैं, तो ये आप भी यूज़ कीजिएगा। तो इतना ख़ास महंगा भी नहीं है, ये तकरीबन 400 का ये मुझे मिला था, और जो शैम्पू है ना 450 का ये मुझे मिला था। तो
इतना ख़ास महंगा बिको नहीं, माशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छा है इसका। तो मेरा कहना माने आप भी ये यूज़ कीजिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वाकई इसका रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ। प्याज वाली दोनों चीज़ें हैं, इस पे भी प्याज बना हुआ है इधर, और जो ऑयल है ना इस पे भी प्याज बना हुआ है। ये आपने निशानी रखनी है इसकी, और भी काफ़ी क्वालिटीज़ इस तरह की होती हैं और शेप्स भी वगैरह चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपने अगर लेना भी हो आप यही लीजिएगा। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों के साथ भी ये मसला आता रहता है, बाल उतर जाते हैं, खुश्की बन जाती है, तो वो जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये खुश्की तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। तो बाकी वैसे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की सिल्की और लंबे भी हो जाते हैं, और जो जिधर बालों की थोड़ी सही कसर हो वहाँ पे बिना ये पैदावार होती है बालों की, बाल उगाने में ये बहुत मदद करता है। तो बाकी माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। रोज़े माशाल्लाह इस बार तो बहुत ही बहुत आसान थे, माशाल्लाह क्या ही बात थी रमज़ान की। अभी रमज़ान का पता भी नहीं चला तो रमज़ान हमसे जुदा होने को भी आ गया है। तो अगला रमज़ान क्या पता कौन होगा कौन नहीं होगा, वो तो अल्लाह की अल्लाह ही जाने, लेकिन ये रमज़ान बहुत ही बहुत ज़बरदस्त जा रहा है सबका। उम्मीद करता हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे, लेकिन आपका रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। तो अभी भी हवा चली हुई है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है खुली खुली हवा। रोज़ा रख के बंदा कहीं सफ़र पे भी चला जाए तो कोई महसूस ही नहीं होगा। तो ये कहना था मैंने आपके साथ शेयर इन चीज़ों को कि ये थी वो चीज़ें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, आप भी यूज़ करें इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और बाकी ना मैं आपको शैम्पू जो है ना वो भी खोल के दिखाता हूँ कि तेल ऑयल तो साफ साफ नज़र आया ना कि ये तो रेड कलर का है, ये तो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा बोतल में से। तो जो शैम्पू है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, तो ताकि आपको पता चल सके। ओके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी ये है शैम्पू, शैम्पू मैंने खोला हुआ है, तो इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखे मैं ज़मीन पे पलटने लगा हूँ इसको। अच्छा ये ना वाइट वाइट कलर का है, ये देखें ये ना वाइट वाइट कलर का है शैम्पू। तो बाकी इसका जो ऊपर ऊपर ढक्कन है, ये बोतल है ना, ये है ऑरेंज कलर की है। तो ये देखें ये आपको अब ठीक नज़र आ रहा होगा, ये ऑयल और दोनों चीज़ें रख दी हैं एक साथ, दोनों प्याज वाली चीज़ें। ओके हो गया जी। तो ये जी माशाल्लाह आप यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये है जी आज का मौसम बना हुआ, ये देखें माशाल्लाह ये सूरज है और बाकी जो है वो बादल हैं, और ये कुछ बार का व्यू है। आज खेत बहुत नए नए लग रहे हैं, सबस सबस बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखें जी वो ऊपर से ना जहाज़ भी एक जा रहा था, वो जिसको लकी जहाज बोलते हैं ना वो जा रहा था, अभी तो वो बहुत आगे चला गया, इधर से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पहले इधर से गुजर रहा था तो जहन में नहीं आया, वो अभी काफ़ी आगे चला गया। तो ये था जी आज का मौसम माशाल्लाह, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल अपना रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा। ओके मैं चलता हूँ।